क्या आप बदहजमी से परेशान हैं, गैस से परेशान हैं, या जोड़ों में दर्द है तो परेशान है, या साटिका से परेशान है, या किसी भी प्रकार के दर्द से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो जैसा कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, करा दूं कि आप हो एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे, और आयुर्वेदिक मेडिसिन की चौथी सीरीज, जो लोग पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पहले से ही पता है कि मैंने अभी तक 3 सीरीज आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बना दी है, और हर सीरीज में मैंने अलग अलग जो भी उपयोग है मैंने मेडिसिन का दिया है, आपको मेडिसिन का इंट्रोडक्शन भी दिया है, कैसे मेडिसिन को बनाएंगे ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो उसी तरह से मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं, और एक नई औषधि से, नई आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और बताऊंगा कि ये कैसे, किस बीमारी में कैसे लाभदायक है, कैसे प्रयोग करना है, और इसके घटक द्रव्य क्या क्या है, आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कि वो औषधि कौन सी है जो कई बीमारियों में रामबाण इलाज का काम करती है। तो देखते हैं कि वो औषधि क्या है। तो उस औषधि का नाम है अजमोदादि चूर्ण, उस औषधि का नाम है अजमोदादि चूर्ण। और जैसा कि इस चूर्ण के अगर गुण हैं, अगर इस चूर्ण के अगर मैं गुण बताऊं तो अनगिनत हैं, लेकिन तब भी मैं कुछ गुणों को बता देता हूं। इस चूर्ण के जो गुण हैं, ये सबसे पाचक चूर्ण है, गैस के लिए सबसे अच्छा है, बदहजमी के लिए सबसे अच्छा है, जिनको खाने में रुचि नहीं है या डाइजेशन सही नहीं है वो इस चूर्ण को ले सकते हैं, ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज, जिनको बहुत ही जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए भी ये चूर्ण रामबाण इलाज का काम करेगी, मतलब कि उपयोग करने के बाद से आपको इसका इतना अच्छा असर मिलेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, अजमोदादि चूर्ण सही में ही रामबाण इलाज है जोड़ों के दर्द के लिए, पाचन के लिए। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करती है। दूसरी चीज, जो साइटिका से परेशान है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी कारगर औषधि है, बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर इसका प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुसार, आपको मात्रा और इसकी प्रयोग विधि चिकित्सक से पूछ करके ही करनी है। मैं यहाँ पे आपको परिचय कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसको उपयोग कैसे करना है, लेकिन जो भी आप यूज करना चाहते हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद से ही आप यूज करोगे। तो ये दूसरी चीज कि ये कैसे काम करेगा, कैसे इसका जो उपयोग है आपको कैसे करना है, तो मैंने बता दिया कि पाचन विकारों में बहुत ही अच्छा काम करता है, और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत सही काम करता है। और भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें ये अच्छा काम करता है, जिस जोड़ों में अगर सूजन है तो अजमोदादि चूर्ण जोड़ों के सूजन में भी बहुत ही लाभकर है, बहुत ही लाभप्रद है, जोड़ों के सूजन के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट में गैस के लिए अच्छा है, अगर बदहजमी है उसके लिए अच्छा है, और अगर जोड़ों में दर्द है उसके लिए भी अच्छा है। तो ये जो लोग भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वो अजमोदादि चूर्ण खरीद करके और इसके बेनिफिट्स को आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि कैसे पेशेंट जो है इनको प्रयोग में नहीं लेना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही गैस चढ़ी हुई है वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अगर वो उसका प्रयोग कर लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट है जो सामने आएंगे, जैसे कि चक्कर आएगा, बदहजमी हो जाएगी, ढकार आएगी, और बहुत ज्यादा जलन होने लगेगा पेट में, गैस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिनको पहले से गैस चढ़ी हुई है वो अजमोदादि चूर्ण नहीं लेंगे, जिनको गैस की प्रॉब्लम पहले से है और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो रेगुलर इसका प्रयोग चिकित्सक की परामर्श से कर सकते हैं, तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, तो आपको गैस की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गैस बनने के बाद से आप इसको नहीं प्रयोग में लेंगे। दूसरी चीज, आप अजमोदादि चूर्ण किस किस कंपनी के आप खरीद सकते हो, आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको किसी भी आपको मिल जाएगा। आप पतंजलि का अजमोदादि चूर्ण ले सकते हो, बैद्यनाथ का ले सकते हैं, डाबर का ले सकते हैं, तो जैसा आपके जो डॉक्टर है आपको बताया उस कंपनी का आप वो ले सकते हो। अब जान लेते हैं कि इसकी मात्रा कितनी आपको लेनी है। तो इसकी मात्रा जो है आपको 3 से 6 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, 3 से 6 ग्राम, वो भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही 3 से 6 ग्राम आपको इसकी मात्रा लेनी है। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले भी सभी वीडियो में बता दिया है कि जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं सबका अनुपान है, सबको किसी न किसी अलग अलग अनुपान से इसको लेना है, अनुपान सहायक द्रव्य को बोला जाता है जिससे आप आयुर्वेदिक दवा खाते हो। तो यहाँ पे जो अनुपान है वो है गर्म पानी और गुड़, गर्म पानी और हल्का गर्म पानी और गुड़
इसके साथ आप इसका सेवन कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप इसको अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग पे या अपने जो भी दर्द है उसमें, जोड़ों का दर्द है या साइटिका है, उसमें प्रयोग में ले सकते हो। और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप देख सकते हो। तो जो भी फार्मासिस्ट के स्टूडेंट हैं या जो भी इंटर्नशिप में है, जो ये दवा बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं घटक द्रव्य भी बता दूं, कितनी मात्रा चाहिए, कैसे आप इसका निर्माण करोगे। तो मैं इसका जो भी उल्लेख है मैं आगे कर देता हूं। तो घटक द्रव्य जो है, इसमें आपको 12 घटक द्रव्यों की जरूरत है, आवश्यकता है आपको 12 घटक द्रव्यों की। ये घटक द्रव्य आपको, अगर इंटर्नशिप में हो या आप स्टूडेंट हो फार्मासिस्ट के, तो पहले से पता है आपको ये चीजें कहाँ मिलेंगी। तो आप मार्केट से ले सकते हो, या अगर आपको औषधि पहचान करनी आती है तो आप खुद ही औषधियों को ले सकते हैं। घटक द्रव्यों में पहला जो घटक द्रव्य है अजमोदा है, क्योंकि अजमोदा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको अजमोदा जी चूर्ण बोला जा रहा है। तो अजमोदा का फल लेना है आपको 12 ग्राम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जितने भी औषधि द्रव्य लेने हैं सब सम अनुपात में ही लेना है। सम अनुपात मतलब कि सबकी मात्रा बराबर मात्रा ही लेनी है, सबकी बराबर मात्रा ही आपको लेनी है। तो अजमोदा चूर्ण भी 12 ग्राम, अजमोदा का जो फल है 12 ग्राम लेना है, बिडंग का फल 12 ग्राम, सेंधव लवण मतलब कि सेंधा नमक आपको लेना है वो भी 12 ग्राम, देवदारू लेना है, देवदारू का सार चाहिए आपको 12 ग्राम, चित्रक का जड़ चाहिए 12 ग्राम, पीपल का जड़ वही सेम क्वांटिटी है, सतपुष्पा का फूल चाहिए सेम क्वांटिटी, पीपल चाहिए सेम क्वांटिटी, मरीच चाहिए मतलब कि काली मिर्च चाहिए आपको सेम क्वांटिटी, पथ्या जिसको हम हरितकी या हरड़ बोलते हैं उसका भी फल चाहिए वही 12 ग्राम, वृद्ध दारुक चाहिए, वृद्ध दारुक आपको चाहिए, इसके पत्ते चाहिए वो भी 12 ग्राम ही चाहिए। फिर है सुंठी जिसको सौंठ बोलते हैं, उसका मूल या कंद, उसका कंद चाहिए आपको वो भी 12 ग्राम चाहिए। सभी जितने भी औषध द्रव्य हैं सबको लेकर के आप खरल में अच्छी तरह से कूट लीजिएगा, जिससे एक चूर्ण की भांति परिवर्तित हो जाए। अगर चूर्ण आप खरल में नहीं कूट करके बना पा रहे तो सील बट्टे पे उसको रगड़ लेंगे तो चूर्ण की भांति बन जाएगा। और चिकित्सक की परामर्श के अनुसार आप 3 से 6 ग्राम अलग अलग तकलीफ में, अलग अलग रोग में आप इसका प्रयोग में इसको ले सकते हो। तो आशा करता हूं कि ये जो आयुर्वेदिक औषधि की ये जो चौथी सीरीज है आपको पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि दूसरे तक ये पहुंचना चाहिए, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम एलोपैथी दवाइयों पे ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं और जिससे उसका रिजल्ट भी ज्यादा नहीं आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक दवा की ओर आइए, ताकि आपको जो दुष्प्रभाव है एलोपैथी की वो ना झेलना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलोपैथी दवा मत खाइए, लेकिन उसका जो बेनिफिट है कम है, लेकिन साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, जबकि आयुर्वेद में बेनिफिट ज़्यादा है साइड इफेक्ट कम है। तो आप आयुर्वेदिक दवा अगर आप खाते हो तो आपके शरीर पर इसका गलत दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। तो आप अजमोदा दी चूर्ण खा करके इसको आजमाइए, और इसके गुड़ों से, इसके गुड़ों को परखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद क्या है। तो ये जो चौथी सीरीज थी मैंने आपके सामने इसको रखा वीडियो में, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।